आज से हिमालय पर बसे हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल गए। इससे पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं और अब तक लगभग 8 लाख तीर्थयात्री चारों धामों की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन इस दौरान कई दुखद तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज हम अपने वीडियो में उन्हीं तस्वीरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालय और हिमालयन पर रहने वाले लोगों की बेहतरी के लिए हमारे द्वारा किया जा रहा यह छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पर अपने विचार भेजें। तो आज के वीडियो में हम आपको चार धाम यात्रा से उभर रही कुछ चिंताजनक तस्वीरों के बारे में बताएंगे। न्यूज़ एजेंसी ANI ने कुछ तस्वीरें ट्वीट किए जिसमें बर्फ से ढके पहाड़ों के पास कई टेंटों के पास फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें और बैग पड़े दिख रहे हैं। साथ ही वहां अन्य तरह का कचरा भी दिख रहा है। दरअसल ANI की ये कुछ तस्वीरें केदारनाथ के पास की हैं जो अब तक मीडिया की नज़रों में आ चुकी हैं, लेकिन हालात इससे ज़्यादा बुरे हैं। लगभग हर धाम में ही नहीं बल्कि चारों धामों के रास्तों पर जगह जगह इस तरह कचरे के ढेर देखने को मिल जाएंगे। ना तो कचरा उठाने के इंतज़ाम किए गए हैं और ना ही कचरे के ढेर को निपटाने का इंतज़ाम किया गया। जैसा कि कहा जा रहा है कि अब तक 8 लाख लोग चारों धामों तक पहुंच चुके हैं। सोचिए, अगर एक व्यक्ति केवल 50 ग्राम ही कचरा फैलाता है तो लगभग 400 क्विंटल कचरा फैलाया जा चुका है। यह 400 क्विंटल कचरा कहाँ फेंका जा रहा है, एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि हम यहाँ केवल 50 ग्राम प्रति व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं, जबकि यह 50 ग्राम से काफ़ी अधिक भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग अध्ययन बताते हैं कि भारतीय शहरों में औसतन एक व्यक्ति 414 ग्राम कचरा एक दिन में फैलाता है। लेकिन अगर हम केवल अब तक फैलाए गए 400 क्विंटल कचरे की ही बात करें तो प्रशासन के पास जवाब नहीं होगा कि आखिर यह कचरा कहाँ गया। हिमालय की संवेदनशील इकोलॉजी और यहाँ पर मौजूद अनमोल वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए यह कचरा एक बड़ा खतरा बन गया है। कूड़े के पहाड़ यहाँ के जल स्रोतों और नदियों के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए भी समस्या बन गए हैं। कई मीडिया रिपोर्टर्स बताती हैं कि तकरीबन सारा कूड़ा जंगलों में फेंका जा रहा है। इससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। यह सारा कचरा जल स्रोतों को ख़त्म कर रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है कि धार्मिक यात्राओं के दौरान लोगों को कचरे के प्रति जागरूक किया जाए और सरकार को भी कचरे के निपटान को लेकर ठोस काम करना होगा। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर
वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।